अगर आप भी YouTube को डेस्कटॉप या लैपटॉप पर देखना ज़्यादा पसंद करते हैं तो आपको इन शॉर्टकट की के बारे में पता होना चाहिए जो आपके YouTube एक्सपीरियंस को और भी बेहतर करेगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको प्ले पाउस रिवाइंड फॉरवर्ड करने में यदि आपको बहुत बार तकलीफ होती है तो ये शॉर्टकट की आपको इससे निजात दिला सकती है। मैं हूँ आपका दोस्त जगदीप साहू और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल बीट कंप्यूटर। आइए देखते हैं, ये देखिए मैं अब यहाँ पर कुछ वीडियो प्ले हो रहा है मेरा, अब इसको मैं पॉज करना चाहता हूँ तो पॉज कैसे करूँगा? या तो मैं स्पेस बार दबा के इसे पॉज करूँगा या फिर मैं इसे के दबा के कीबोर्ड के बटन दबा के भी मैं इसे पॉज कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो है यदि हमें म्यूट करना है आवाज, यदि म्यूट करना है तो म्यूट के लिए हम आवाज के एम बटन दबाएंगे तो ये आवाज म्यूट हो जाए। ठीक है, इसी तरह यदि हमें इसे फॉरवर्ड करना है तो हम यहाँ पे एल बटन दबाएंगे तो ये 10 10 सेकेंड फॉरवर्ड चलेगा। इसी तरह हम एरो की दबाएंगे, जो एरो की रहते हैं नीचे वो हम दबाते हैं तो उससे भी आपका ये देखिए 5 सेकेंड का आगे बढ़ते जाएगा या फिर 5 सेकेंड बैक जा सकते हैं। इसी तरह बैक जाना है तो आप यहाँ पे जे बटन दबाएंगे तो ये बैक जाएगा 10 10 सेकेंड, और यदि आपको और बैक आना है तो बैक 5 5 सेकेंड बैक आएगा ये आपका एरो की से। इसी तरह वॉल्यूम को यदि आप अप एंड डाउन करना है तो आप यहाँ पे प्ल अप एंड डाउन एरो की को आप प्लस दबाते जाएंगे तो आपका आपको देखिए 5 5 सेकेंड के हिसाब से, परसेंट के हिसाब से ये वॉल्यूम अप एंड डाउन होगा। ठीक है, इसी तरह आप वीडियो को यदि फुल स्क्रीन में देखना चाहते हैं तो यहाँ आप कीबोर्ड से एप बटन दबाएंगे तो ये फुल स्क्रीन में आ जाएगा। देखिए, और एक बार फिर से आप एस्केप या फिर एप फिर से आप एप बटन दबाएंगे तो ये वापस उसी इसमें आ जाएगा। ये देखिए, यदि आप थिएटर मोड में देखना चाहते हैं तो आप टी बटन दबाएंगे तो ये आपका थिएटर मोड में आ जाएगा। ये देखिए, फिर से टी दबाएंगे तो वापस अपने पूर्व स्थिति में आ जाएगा। और यदि आप इसे वो मिनी प्लेयर में यूज करना चाहते हैं तो आप आई बटन दबाइए तो ये आपका मिनी प्लेयर में यूज हो जाएगा, और फिर से आप आई बटन दबाएंगे तो ये वापस आ जाएगा। ये देखिए, इस तरह से आप दबा सकते हैं। यदि आपको सर्च सर्च बार में जाना है तो यहाँ पे आप स्लैश की को दबाएंगे तो आप यूट्यूब के सर्च बार में आ जाएंगे। देखिए, कुछ भी आप सर्च करना चाहते हो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है तो आप, मैं यहाँ पे शिफ्ट के साथ एन की दबाता हूँ तो न्यू वीडियो आ जाएगा। देखिए, यदि इसके अंदर कुछ कैप्शन रहता है यदि आप उसको सी बटन दबाएंगे तो आपको कैप्शन यहाँ पे दिखाने लगेगा। सेम इसी तरह आप शिफ्ट के साथ यदि आप पी बटन दबाएंगे तो आपका बैक आ जाएगा। देखिए यहाँ पे शिफ्ट के साथ मैं यदि एन बटन दबाता हूँ तो ये नेक्स्ट वीडियो आ जाता है। यदि कुछ नेक्स्ट वीडियो देखना है तो मुझे और मैं शिफ्ट के साथ यदि पी बटन दबाता हूँ तो ये वापस प्रीवियस स्क्रीन प्रीवियस वीडियो आ जाती है। तो ये थे मुख्य शॉर्टकट जो आप अपने यूज कर सकते हैं अपने कीबोर्ड में, कीबोर्ड से जो आप वीडियो देखते समय। ठीक है दोस्तों, सेम ये चीज यदि आप मोबाइल में करना चाहते हैं, यदि आप फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आप सिंपली डबल टैप करेंगे तो आपका ये 10 सेकेंड फॉरवर्ड जाता है। आप इसी को कंटिन्यू करते जाएंगे डबल ट्रिपल टैप तो आप देखिए 30 सेकेंड आगे बढ़ गया। इसी तरह आप बैक भी इसी तरह से कर सकते हैं, यदि आप डबल टैप करेंगे तो आपका 10 सेकेंड जाएगा, आप ट्रिपल टैप करेंगे तो आपका 30 सेकेंड आएगा, 20 सेकेंड आएगा। जितने बार आप ज़्यादा टैप करेंगे उतना ही बैक या फिर फॉरवर्ड आते जाएगा। ये देखिए, ये 20 30, इस तरह से आप इसमें फॉरवर्ड एंड बैक कर सकते हैं। और जैसे स्क्रॉल डाउन अप करेंगे तो यहाँ पे आपका
मेनू आ जाएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखना है। तो ये शॉर्टकट आप मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं। बोनस टिप जो मैं देने वाला था वो आपका बोनस टिप है इसमें। बोनस टिप्स ये है इसमें कि आप इसमें आप डार्क थीम यूज़ कर सकते हैं जो आपके आँख और आपके मोबाइल की बैटरी के लिए लाभदायक होता है। वो कैसे करेंगे, आप अपने प्रोफाइल में जाइए, यहाँ पर जो आप बना हुआ है, देन उसके बाद आप सेटिंग में आएंगे। सेटिंग में आने के बाद आप यहाँ पर जनरल सेटिंग में जाएंगे और जनरल सेटिंग में देखिएगा आपको यहाँ पर डार्क थीम दिखाई दे रहा है। ये मैंने अभी इनेबल करके रखा हुआ है। यदि मैं इसे हटा देता हूँ तो देखिए ये मेरा डार्क थीम हट जाता है। यदि आपको अनेबल करना है तो आप डार्क थीम को ऐसे लगा के रखे रहेंगे। और सेकंड जो मेरा जो बोनस टिप्स है इसमें, यदि आप अपने बच्चों को कोई मोबाइल देते हैं आप उसमें वल्गर साइट को हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप उसको रिट्रिक्शन मोड को आप यहाँ पे ऑन करके रखें और बच्चे को दें, तो इससे जो वल्गर साइट या कुछ वल्गर रहते हैं वो यहाँ पे आप बच्चों को दिखाई नहीं देगा। ठीक है दोस्तों, होप सो ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरह का वीडियो मैंने और भी बनाया हुआ है जो कि आपका जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड कीबोर्ड शॉर्टकट कीज है और साथ ही साथ की इंटरनेट से संबंधित शॉर्टकट कीज है, जो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।